दुनिया के बहुत बड़े मशहूर शायर मुनव्वर राना का लखनऊ पीजीआई में निधन हो चुका है। उन्होंने 71 साल की उम्र में रविवार को करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। काफी समय से उनकी तबीयत गंभीर बन चुकी थी, जिसके चलते उन्हें लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराया गया। आपको बताया जाए तो मुनव्वर राना यह माँ पर लिखी शायरियों को लेकर काफी ज्यादा मशहूर थे और माना जाता है कि उनको माँ के लिए शेर लिखने में कोई भी मात नहीं दे सकता। बताया गया है कि मुनव्वर राना यह पीजीआई में लंबे समय से डायलिसिस पर थे। फेफड़ों में काफी ज्यादा इन्फेक्शन था, जिस वजह से इनको वेंटिलेटर पर भी रखा गया। मुनव्वर को लंबे समय से किडनी की परेशानी थी। आपको बता दे कि मुनव्वर का जन्म 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश में हुआ। 2014 में इनको उनकी लिखी कविता शाहदाबा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने इसे लौटा दिया था और इसके बाद कभी भी सरकार की तरफ से कोई भी अवार्ड न लेने की कसम खाई। इनके परिवार में इनकी पत्नी, 4 बेटियां और 1 बेटा भी है। हालांकि डॉक्टर ने मुनव्वर राना को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन डॉक्टर को इनको बचाने में असफलता मिली और मुनव्वर राना यह पूरी दुनिया को अलविदा कह चुके। आप लोगों को मुनव्वर राना की शायरी कैसी लगती थी ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।